हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई आई हुई वैकेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ। जो वैकेंसी आई है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, और जो वैकेंसी आई हुई है वो पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड असिस्टेंट मैनेजर। तो इन तीन पोस्ट के लिए LIC HFL में वैकेंसी आई है। इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है उसकी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बताऊंगी। उसके अलावा कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए इसके लिए, जो आपको पढ़नी चाहिए, सिलेबस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 300 है, जिसमें असिस्टेंट की वैकेंसी है 150, एसोसिएट की वैकेंसी है 50 और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है 100। और इसमें मेन नोट में क्या लिया हुआ है आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। जो कैंडिडेट है वो सिर्फ किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 300। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट और एसोसिएट के लिए क्या है। कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है जो मैं आपको बताती हूँ कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वैकेंसी फ्रॉम ओनली वन स्टेट। मतलब असिस्टेंट और एसोसिएट के लिए कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकता है। सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट और एसोसिएट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट ऑप्टेड बाई द कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट, जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर जिस स्टेट में चूज़ करोगे, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर उसी स्टेट में ही दिया जाएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट विल बी पोस्टेड प्रेफरेबली इन द स्टेट इनिशियली एंड कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर स्टेट लेटर सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट एंड सुटेबिलिटी। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया है, स्टार्टिंग में आपकी पोस्टिंग उसी स्टेट में दी जाएगी, पर उसके बाद आपका ट्रांसफ़र किसी भी स्टेट में हो सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें तीन जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए कि अगर आप असिस्टेंट और एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हो तो आप सिर्फ एक स्टेट में, एक प्रदेश में ही अप्लाई कर सकते हो, और जिस प्रदेश में आप अप्लाई करोगे उस प्रदेश में ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। और आपने जिस प्रदेश के लिए अप्लाई किया है, स्टार्टिंग में आपका पोस्टिंग जो होगी वो उसी प्रदेश में होगी, उसके बाद में आपकी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। चलिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या दिया हुआ है, पोस्टिंग में भी एनी वेयर इन इंडिया बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। असिस्टेंट मैनेजर में पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है इंडिया में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ असिस्टेंट के लिए, एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए। देखिए नेशनैलिटी तो तीनों में इंडियन होनी चाहिए। एज का क्या क्राइटेरिया है, तीनों में एज सेम दी हुई है, चाहे असिस्टेंट हो, एसोसिएट हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, 21 से 28 साल की एज लिमिट दी हुई है। मतलब कि 1 जनवरी 2018 के अनुसार मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज कितनी है 28 साल, वो तीनों पोस्ट के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें डेट दोनों में आप ध्यान रखिएगा, एज में भी इस डेट को लेके चलना है 1 जनवरी 2018, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी इस डेट को लेके चलना है 1 जनवरी 2018। तो चलिए अब हम एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क्स। एसोसिएट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि 60% मार्क्स और ग्रेजुएशन के साथ, और इसके साथ में क्या हुआ है, CA का आपको इंटर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको जो डिग्री चाहिए वो ग्रेजुएशन की ही चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, और इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा इसमें क्या दिया गया है वो ये है कि 2 ईयर्स फुल टाइम MBA हो या फिर 2 ईयर्स फुल टाइम MMS हो,
2 years full time PGDBA हो, PGDBM, PGPM, PGDM in any discipline from recognized university, minimum 60% marks, course completed through correspondence or part time are not eligible. तो इसमें जो आपको ये कोर्स दिए हुए हैं ये corresponding और correspondence से और part time से eligible नहीं है, regular course होने चाहिए. ये जो भी course हैं MBA, PGDBA, PGDBM, ये सारे regular course होने चाहिए, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर स्किल्स. तो कंप्यूटर स्किल्स तीनों में ही मैंडेटरी हैं, तीनों में ही कंप्यूटर स्किल्स मांगी गई. चलिए एज लिमिट पर आते हैं. 1 जनवरी 2018 के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको कि मिनिमम कितनी है 21 साल है और मैक्सिमम कितनी है 28 साल है. चलिए अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर. तो सिलेक्शन प्रोसीजर तीनों पोस्ट का, असिस्टेंट, एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर, तीनों का सेम ही है. तीनों में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है. चलिए हम आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या प्रोसीजर होगा. तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है. इसमें सब्जेक्ट कितने होंगे, 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि मैथ्स. और नंबर ऑफ क्वेश्चंस चारों सब्जेक्ट के सेम होंगे, चारों सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन आएंगे. मैक्सिमम मार्क्स भी 50-50 होंगे, 50-50. और इस 50 क्वेश्चन के सेट को करने के लिए आपके पास ड्यूरेशन कितनी होगी, इंग्लिश में 35 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 35 मिनट में 50 क्वेश्चन हैं, जनरल अवेयरनेस में 15 मिनट के टाइम में 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 मिनट के टाइम में 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे. टोटल आपको 120 मिनट, 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 200 और मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें 200 है 200. चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ. द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी सेपरेट फॉर असिस्टेंट, एसोसिएट एंड असिस्टेंट मैनेजर. मतलब कि ये जो मैंने आपको ऑनलाइन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन का प्रोसीजर बताया है, उसमें तीनों जो पोस्ट दी हुई हैं इन तीनों पोस्ट में सेम यही सब्जेक्ट आएंगे, यही प्रोसीजर होगा, पर लेवल में डिफरेंस होगा. असिस्टेंट, एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर है, इन तीनों का पेपर अलग अलग होगा, ठीक है. सेपरेट पेपर होगा तीनों का, तीनों में क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगे. बस ये है कि सब्जेक्ट सेम होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स वो सेम, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है. इट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑनली. तो पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा. नेक्स्ट लाइन क्या दी हुई है, देयर विल बी पेनल्टी 1/4 और 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन फॉर रॉन्ग आंसर्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन. तो आपको इसमें समझ में आ गया कि अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है. नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग में आपकी 1/4 है. क्वेश्चन का जितना मार्क्स होगा उसकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है. चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करती हूँ. नेक्स्ट क्या है, फाइनल सिलेक्शन. तो फाइनल सिलेक्शन के लिए द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी सेपरेट फॉर ईच पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, एसोसिएट एंड असिस्टेंट मैनेजर and will be done on the basis of combined marks of online examination and interview strictly according to the merit ranking. मतलब कि जो आपका final selection वो कैसे होगा, वो सेपरेट होगा अलग अलग तीनों पोस्ट के लिए. इसमें ये कम्बाइंड प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू. ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर आप पास कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा. इंटरव्यू आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स का ही है, ठीक है. चलिए इसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा. Selected candidate will have to undergo medical examination and will be appointed as assistant, associate, assistant manager, subject to him or her being found medically fit by the medical examiner authorized by LIC HFL for this purpose. मतलब कि जो भी final online examination और interview cross कर लेता है उसके बाद उसको medically fit होना पड़ेगा. अगर वो medically fit है तभी वो finally select हो पाएगा. चलिए इसके बाद process क्या है, हाउ टू अप्लाई का बता देती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है आपको. तो कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू LIC HFL वेबसाइट. तो सबसे पहले आपको LIC HFL की वेबसाइट पर लॉग इन करना है. फिर उसमें आपको जो टैब दिया होगा करियर का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है. उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और ओपन करना है पेज रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट, एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर का. और उसमें ऑप्शन अवेलेबल होंगे अप्लाई करने का और डिटेल एडवर्टाइजमेंट का. तो आप दोनों देख लीजिए कि
एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं वहाँ से, और उसके बाद अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस में बता देती हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस जो है तीनों पोस्ट असिस्टेंट, एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर तीनों के लिए 500 की एप्लीकेशन फ़ीस है। चलिए नेक्स्ट लास्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि डेट्स क्या है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त 2018, और फीस पेमेंट करने की भी स्टार्टिंग डेट यही है 21 अगस्त 2018। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फ़ीस की, 6 सितंबर 2018। कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट क्या दी गई है, 24 सितंबर 2018। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो असिस्टेंट का है उसकी टेंटेटिव डेट दी हुई है वो है 6 अक्टूबर 2018 या फिर 7 अक्टूबर 2018। फिक्स नहीं है पर टेंटेटिव डेट यही दी गई है 6 या 7 अक्टूबर 2018। अब एसोसिएट के लिए क्या है, 6 या 7 अक्टूबर 2018, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी सेम है 6 या 7 अक्टूबर 2018। तो ये तो इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई। उसके अलावा इस एग्ज़ाम का जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आया है LIC HFL की तरफ से उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो डाउनलोड करके फुल एडवर्टाइजमेंट क्या है और इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो आपको डायरेक्टली एक वेबसाइट पर, अमेज़न की वेबसाइट पर ट्रांसफ़र करेगा जिससे आप वहाँ से भी देख सकते हो। ऑनलाइन बुक परचेज़ करना हो तो ऑनलाइन बुक परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ उसमें वो बुक्स बता देगा कि कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल एक बुक है जो LIC की ऑल इन वन बुक आती है वो भी मैंने इसमें बताई है, और सारे सब्जेक्ट हो गए मैथ्स, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, इनके लिए भी सेपरेट बुक्स भी बताई हैं मैंने इसमें। और इसके अलावा LIC HFL का सिलेबस क्या है ये भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। चलिए ऐसे ही जो भी वैकेंसी आएगी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।